नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आप चाहे किसी भी राज्य में चाहे कोई भी दंगा उठा के देख लीजिए, जहां पे हिंदू मुसलमान हो, चाहे सवर्ण या दलितों का मारपीट हो, चाहे गुज्जर या राजपूतों का झगड़ा लगाना हो, उसमें आपको बीजेपी जरूर मिलेगी। क्योंकि इनका जो बेसिक है ना, वो यही है कि एक दूसरे से झगड़ा लगा दो, जातीय समीकरण में झगड़ा लगा दो और बैठकर मजे लो, राज करो। लेकिन अब ये जमाना पलट चुका है। आज ना देश का युवा जागरूक है, वो आपकी जो गंदगी है ना उसको समझ चुका है। आपके पास दिखाने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप ये जो चीजें करते हैं ना भारतीय जनता पार्टी वालों, अब देश जागरूक है, चीजें समझ रहा है। उन्हें ना हिंदू चाहिए, ना मुसलमान चाहिए, ना मंदिर चाहिए, ना मस्जिद चाहिए। 71% युवाओं की आबादी में 45% जब बेरोजगार होता है ना, तो घर पे बैठे हुए अपने लड़के को देखकर उस पिता को कितनी तकलीफ होती होगी, इसका अंदाजा भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी तो औलादे नहीं है ना। आज जो सत्ता में बैठे हैं वो रंडवे बैठे हैं, आज जो सत्ता में बैठे हैं ना ये बे औलादे बैठे हैं। उन्हें क्या पता बेटी की आबरू क्या होती है, उन्हें क्या पता बेटे को बेरोजगारी की तकलीफ क्या होती है। अगर उनके घर खानदान होता, परिवार होता, तो आज चीजें समझ में आती उनको कि आखिर एक परिवार होता क्या है। लेकिन बचपन से ही इनको फेंक दिया गया, ये भाग गए जिम्मेदारियों से, वो देश चलाने के लिए बैठे, उनकी औकात नहीं है। जो आदमी एक अपने 3-4 लोगों का परिवार छोड़कर भाग सकता है, नहीं संभाल सकता है, वो देश संभाल लेगा, ये उम्मीद आप मत लगाइए। आप किससे रोजगार मांग रहे हैं, जो खुद 35-40 साल तक दुनिया में भीख मांगता हुआ जिंदा रहा, घूमता रहा, अपना पेट पालता रहा, उससे आप रोजगार की उम्मीद ना करिए। जो इंसान खुद आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिसके ऊपर 50-50, 70-70 मुकदमे हैं, उससे आप अपेक्षा करोगे कि वो आपको न्याय दिला देगा, तो आप गलत फहमी में हैं। जिस लोगों के हाथ बलात्कार से रंगे हुए हैं, उससे आप अगर उम्मीद करोगे कि वो आपकी बेटी के लिए अच्छा कानून लाएगा, रक्षा करेगा, उसको न्याय दिलाएगा, तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। आखिर ये गलती हुई है आप लोगों से, ये मानिए बात को। यही चीज पिछले 5-6 सालों से हम आपको समझाते आए हैं। जब तक आपकी बेटी की आबरू नहीं लूटेगी, तब तक आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। जब तक आपका बेटा पंखे से लटक कर आत्महत्या ना कर ले बेरोजगारी की वजह से, तब तक आपकी आंखें नहीं खुलेंगी। आपको दिखाई देगा प्रभु श्री राम और बाबरी मस्जिद। लड़िए ना, किसने रोका है आपका जिंदगी, आप अपना सत्यानाश करिए, क्या फर्क पड़ता है। जिस देश में एक तड़ी पार गृह मंत्री हो जाता है और उसके हाथ के नीचे उसके जो डिप्टी हैं, गृह राज्य मंत्री, जिनके ऊपर हत्या, स्मगलिंग, बलात्कार के मामले हैं, उस देश में आप इंसाफ की बात नहीं करें, न्याय की बात नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है। जब अपराधी बैठता है ना कुर्सी पर, उससे आप अपेक्षा मत करिए कि वो आपके बच्चे की हत्या और आपकी बेटी के बलात्कार पे न्याय दिला पाएगा। और बात क्या होती है, हम दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे। एक गृह राज्य मंत्री का सपोला पकड़ा नहीं जा रहा था, नेपाल भाग गया था, भोसड़ी वाला डरपोक गणफट्टू, और हम दाऊद इब्राहिम को लाने की बात करते। कहां से लाते हैं इतनी बकचोदी, बचपन से इतने बकचोद थे कि अभी अभी ताजा ताजा बनाया गया है आपको। और जो लोग भी अभी भी आंखें नहीं खुली है ना, तो इंतजार करो बेटा, तुम्हारी घर की बेटियों को जब उठा के यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बलात्कार करेंगे ना, तब तुम्हें आंख खुल के आएगा। क्योंकि चाहे कोई भी घटना ले लीजिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने बेशरम होते हैं, देश ने देखा है, एक बलात्कारी के समर्थन में रैलियां निकाली जाती हैं, हाथरस की बेटी को इंसाफ न मिले उसकी पूरी तैयारी की जाती है, उसके घर के बाहर जाके चिल्लाया जाता है। आखिर क्या हुआ, आज ये हालत है कि उसके जो बलात्कारी के जो आरोपी थे उनको फांसी की सजा हुई। शर्म आती है क्या रे, जिस कोर्ट ने उन्हें आरोपी साबित कर दिया, सजा दे दी, उसके समर्थन में तुम भोसड़ी वाले और बलात्कारी जाके खड़े हुए थे। अगर घर में मां बहन होगी ना, तो थोड़ा भी शर्म आता होगा ना, तो जाके उनसे नजरे मिला के देखो उनकी आंखों में, तुम पर थूकती होंगी वो कि मेरे घर में कैसा चूतिया पैदा कर दिया जो एक लड़की के बलात्कारी के साथ जाकर खड़ा हो जाता है। ये तो औकात है रे तुम्हारी। और तुम चूतियों को अगर लग रहा होगा ना, वापस से हिंदू मुसलमान करके मंदिर मस्जिद में अटकाकर सत्ता हासिल कर लोगे, तो आप ये चीज इतिहास हो चुकी है। आज के युवाओं को रोजगार चाहिए, आज के लड़कियों को, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को अपने अन्न का पैसा चाहिए, कीमत चाहिए। अगर अभी भी तुमको लगता है कि तुम देश को चूतिया बना लोगे ना, तो तुमसे बड़ा चूतिया
इस देश में नहीं मिलेगा। समय खत्म हो चुका है तुम्हारा। और जितने भी इनके अंड भक्त है ना, ये सब खोज खोज कर इनको सीधा किया जाएगा। इंतजार तो करो। बुझते हुए दिए की लौ देखी है ना, जैसे फड़फड़ाती है वैसे कुछ दिन बचे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जितना फड़फड़ाना है ना फड़फड़ा लो बेटा। जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा ना, खोज खोज कर इलाज किया जाएगा तबीयत से। कैसे मालूम है ना? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।